नमस्कार मैं हूं शशि संध्या समाचार में आपका स्वागत है आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं जे एस एस सी स्नातक स्तरीय नियमावली संवैधानिक रूप से सही हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली दो को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुदीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में लगभग तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहस की उन्होंने कहा कि जे स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली संवैधानिक रूप से सही है इसे झारखंड के लोगों के हित को देखते हुए बनाया गया है सरकार को नियमावली बनाने का पूर्ण अधिकार है राज्य सरकार की बहस अधूरी है मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता कुमार हर्ष ने सरकार की ओर से बहस पूरी करने के लिए लंबा समय मांगे जाने का विरोध किया उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सरकार को अपनी बात पूरी करने के लिए लंबा समय नहीं दिया जा सकता अग्निपथ योजना के तहत बोकारो के तीन हजार युवक लगाएंगे दौड़ अग्निपथ योजना के तहत देश भर में अग्निवीरों की बहाली हो रही है इसके तहत आज बोकारो जिला के लगभग तीन हजार अभ्यार्थियों के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है वहीं पाँच सितंबर को लातेहार जिला के अभ्यर्थी की बहाली के लिए दौड़ हुई आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोराबादी मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है अधिकतर अभ्यर्थी रांची पहुंच चुके हैं अभ्यर्थियों ने बताया कि सेना भर्ती रैली में 1600 मीटर दौड़ पाँच मिनट में पूरी करनी होती है उसके बाद फिजिकल जाँच होगी ज्ञात होगी इस योजना के तहत चार साल के लिए अग्निवीरों की बहाली की जाएगी रांची स्टेशन पर हजारों की भीड़ आरपीएफ ने किया बल का प्रयोग रांची रेलवे स्टेशन पर सोमवार को मौर्य एक्सप्रेस और हटिया पटना ट्रेन में चढ़ने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी इसमें शिव शिष्य परिवार के जनक स्वामी हरिंद्रानंद जी के अंतिम दर्शन करने व अंतिम संस्कार में शामिल होने और अग्निवीर बहाली में शामिल होने रांची आने वाले की संख्या अधिक थी भीड़ इतनी हो गई कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म से पार्किंग तक पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होते ही सवार होने के लिए धक्का मुक्की होने लगी लगभग भगदड़ जैसी स्थिति बन गई स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के जवानों को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा गुमला की ट्रैक्टर चालक बेटी बनी कृषि क्लस्टर हेड झारखंड के गुमला जिले के सिसाई प्रखंड के डहू टोली में कुछ दिन पहले छात्रा मंजू उराव के ट्रैक्टर चलाकर खेतों में हल जोतने पर पूरे गांव के लोगों ने नाराजगी जताई थी ग्रामीणों ने लड़की द्वारा हल जोतने से अनहोनी की आशंका जताते हुए उसे जुर्माना चुकाने और गाँव से बाहर निकल जाने का भी फरमान सुनाया था इन सब के बावजूद छात्रा विचलित नहीं हुई और उसने गाँव वाले का विरोध झेलने के बावजूद ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों में उन्नत तरीके से खेती शुरू की छात्रा के हिम्मत की हर ओर सराहना हो रही है अब कृषि विभाग ने उसे क्लस्टर हेड बनाकर सम्मानित किया है साथ ही उस गांव को एक्सीलेंस क्लस्टर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है कर्मा पूजा आज पर्व को लेकर तैयारियां पूरी प्रकृति पर्व कर्मा आज हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा कर्म पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है अखाड़ा की विशेष साज सजा की गई कुवारी कन्याएं दिन भर का व्रत रखकर कर करम देवी का पूजा अर्चना करेंगी करम देव से अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करेंगी अच्छे वर व सफल दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करेंगी बता दें संध्या में नौ युवक की टोली करम डाली लाएंगी अखाड़ा में करम डाली स्थापित करने के बाद पाहन पूजा कराएंगे देशवासियों की खुशहाली के लिए लाल मुर्गे की बलि भी दी जाएगी करम धर्म की कथा सुनाएंगे पूजा के बाद रात भर अखाड़ा में नृत्य संगीत का दौर चलेगा गुमला में शराबी नौकर ने मालिक व मालकिन को उतारा मौत के घाट गुमला के रायडी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव मझगावा जाम टोली में बीती सोमवार की रात्रि 10 बजे शराबी नौकर डुमरी निवासी सत्येंद्र लकड़ा ने अपने ही मालिक पैंसठ वर्षीय रिचर्ड मिंज रिचर्ड मिंज की पत्नी मिलानी मिंज पुत्री टेरेसा मिंज को टांगी से काटकर घायल कर दिया घायल रिचर्ड और पत्नी मिलानी मिंज की मौत रिम्स ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई जबकि बेटी टेरेसा का इलाज रिम्स में चल रहा है जानकारी के अनुसार शराबी नौकर सत्येंद्र लकड़ा रात में अचानक उठा और टांगी लेकर एक ही कमरे में सोए तीनों पर हमला बोल दिया गढ़वा में मुस्लिम युवक ने आदिवासी नाबालिग युवती को बहला फुसला कर पहुँचा होटल झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के सोनपुरवा में पलामू जिले के रेहला थाना अंतर्गत सिकसिगी गांव निवासी इद्दू हवारी का पुत्र शमसाद हवारी द्वारा एक नाबालिग आदिवासी लड़की को बहला फुसला कर गलत इरादे से होटल में ले जाने का मामला प्रकाश में आया है इस दौरान संदेह होने पर लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया तथा इसकी सूचना गढ़वा थाना पुलिस को दी तब मौके पर पहुंची पुलिस ने आदिवासी नाबालिग लड़की व युवक को हिरासत में लेकर थाना में ले जाकर पूछताछ कर रही है बताया गया है कि युवक पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के सिक्सिगी गांव का रहने वाला है जबकि नाबालिग लड़की गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है धनबाद के मुथूट फाइनेंस लूटने आए लुटेरों की मुठभेड़ में मौत बड़ी खबर झारखंड की कोल नगरी धनबाद से है बता दें बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित मुठूट फाइनेंस कंपनी में डकैती करने आए अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई जानकारी के मुताबिक पाँच की संख्या में रहे इस गैंग में एक लुटेरा पुलिस के द्वारा शूट आउट में मारा गया जबकि दो अपराधी गिरफ्तार हैं इसके अलावा दो अपराधी अभी भी दफ्तर में छिपे हुए हैं फाइनेंस कंपनी में मंगलवार की सुबह पाँच की संख्या में अपराधी लूट की मंसा से प्रवेश कर गए थे जहां हथियार हाँ दिखाकर कर्मचारियों को भयभीत करने का प्रयास किया गया लेकिन इसी दौरान पुलिस को इस घटना की सूचना मिल गई सूचना मिलने पर पर पुलिस पुलिस टीम के साथ मौके पहुंची और घेराबंदी की गोड्डा में बच्चों का झगड़ा शांत कराने गई महिला पर फेंका तेजाब झारखंड में अपराध और एसिड अटैक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है ताजा मामला गोड्डा जिले से जुड़ा हुआ है जहां के मागामा थाना क्षेत्र के ग्राम भाजपुर में एक व्यक्ति को द्वारा गांव के ही महिला एवं बच्चों पर तेजाब फेंकने का मामला प्रकाश में आया है एसिड अटैक की इस घटना में पांच लोग घायल हो गए जिनको आनन फानन में महंगावा रेफरल अस्पताल लाया गया अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है शिक्षा में सुधार के लिए 50 हजार पद किए जाएंगे श्रीजीत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक से राष्ट्रपति बने उन्होंने कहा है कि एक शिक्षक मंत्री बन सकता है लेकिन मंत्री कभी शिक्षक नहीं बन सकता उक्त बातें उन्होंने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित स्वच्छ विद्यालय एवं शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा है कि शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही से करें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य में पचास हजार शिक्षकों का पद सृजित किया गया है ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है उन्होंने कहा है कि जिस तरह स्वच्छता का आकलन हो रहा है उसी तरह बच्चों की पढ़ाई का भी आकलन होना चाहिए आज शाम सात बजे से बुधवार की सुबह आठ बजे तक राजधानी में बड़े वाहनों की नो एंट्री करम पर्व को लेकर मंगलवार की शाम सात बजे से बुधवार सुबह आठ बजे तक राजधानी में भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री रहेगी ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि करम पर्व के हर्षोल्लास के दौरान रात भर नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलता है इसको देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है बता दें पिस्का मोड़ होकर हजारीबाग रोड जाने वाली सभी बड़े भारी मालवाहक वाहन तिलता चौक से रिंग रोड होते हुए हजारीबाग रोड की ओर जाएगी वहीं हजारीबाग रोड से लातेहार पलामू गढ़वा इटकी रोड सिमडेगा गुमला लोहरदगा रोड पिसका मोड़ जाने वाली भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड तिलता चौक होकर जा सकेगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेलाइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें थैंक यू